बढ़िया है, इन्होंने रियलिस्टिक जो फॉर्म एक अलग तरह का क्रिएट किया है जो बहुत प्रभावित कर रहा है, और इन्होंने एक सब्जेक्ट भी ऐसा लिया है जो रेगुलर सब्जेक्ट है, जहाँ पे हम लोग बहुत कम सोचते हैं वो चीज़ इन्होंने सोचा है, और इनका ड्राइंग वगैरह देख के मज़ा आ रहा है, यानी बहुत परफेक्शन पे इन्होंने काम किया है, और जो कलर चार्ट है वो देख के हो रहा है, कूल कलर है, इन्होंने जो कलर चुना है बहुत अच्छा है, इन्होंने पतले पतले से में इन्होंने जो वर्क को निकाला है, बाहर किया है, बहुत बढ़िया है और बहुत अच्छा काम है। नहीं, पहले तो बहुत अच्छी बात है, आने वाले दिन में इनका बहुत नाम होने वाला है, क्योंकि काम बहुत अच्छा है, ऐसे काम तो मार्केट में बहुत चल रहे हैं। और कुछ ऐड करना चाहिए? नहीं, बस है, इनका काम ही बोलता है, आर्टिस्ट को क्या है, उसका काम ही वर्क ही उसका पहचान है, और यही सोचना भी चाहिए। Really beautiful. This is also उसके लिए उन्होंने एक पेंटिंग दे ब्यूटिफुल है, आज उनकी माँ यहाँ पर है, आई थिंक दिस इज सुपर इम्प्रेस्ड प्रकाश जी, कंग्रेचुलेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सच रंगों का चयन बहुत सुंदर है, और चित्रकारी द्वारा मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
पेंटिंग बहुत अच्छी है। मुंबई के जो सामान्य लोग हैं उन सामान्य जीवन पे असामान्य ऐसी पेंटिंग है प्रकाश की, और कंटेम्प्रेरी आर्ट फॉर्म में ये पेंटिंग का बहुत अच्छा मायने रखता है, क्योंकि जो सामान्य लोग हैं ये पेंटिंग मुंबई की जो जीवन शैली है, मुंबई की जो छोटे छोटे सब्जेक्ट हैं सब्जेक्ट के ऊपर बनाई गई है, और बहुत ही संवेदनशीलता के साथ उस चित्र को उन्होंने बनाया। तो सबसे अच्छा कौन सा पेंटिंग लगा सर आपको यहाँ पर? ये बीडी स्टेशन वाला, क्योंकि उसके कलर्स और उसकी जो एक ये है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट, तो गाड़ी वाले जो है वहाँ पे मालिक कर रहे हैं, पुली का काम कर रहे हैं, लेकिन उसके सामने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर बीडी का, तो ये दोनों का जो कॉन्ट्रोवर्सी है प्रकाश ने अपने आप में बहुत अच्छी प्रकाश के लिए बहुत पेंटरिंग क्लास 15 ईयर